डर किस चिड़िया का नाम है, ये तेजस्वी यादव के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। दरअसल कल सीबीआई मुख्यालय तेजस्वी यादव को बुलाया गया था और तेजस्वी यादव से 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ हुई। आपको बताते चले कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव से 14 सवाल किए, वहीं उनकी बड़ी बहन मीसा भारती से ईडी ने 11 सवाल किए और उनसे 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि दरअसल सीबीआई ने तेजस्वी यादव से क्या क्या सवाल किए। उनसे पहला सवाल किया गया कि आप अपना नाम और अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए। दूसरा सवाल, आप डिप्टी सीएम हैं, आपके इनकम का और क्या साधन है। तीसरा सवाल, आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन कमाता है। चौथा सवाल, आपके नाम एवं आपके पत्नी के नाम पर कितनी और कहां कहां संपत्ति है। पांचवा सवाल, आप कितनी संपत्तियों में शेयर होल्डर हैं, कितनी कंपनियों में शेयर होल्डर हैं। आप इनकम टैक्स भरते हैं तो पिछले 5 साल का हिसाब बताइए। आपका सीए कौन है, उसका भी नाम बताइए। आपके विदेश में कितनी चल अचल संपत्ति है। साल 2004 से लेकर आज तक आप कितनी कंपनियों में शेयर होल्डर हैं और उन कंपनियों के कितनी मीटिंग में आपने भाग लिया। दिल्ली एनसीआर में आपकी कितनी मॉल और कोठियां हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित आवास जहां आप रहते हैं उसकी खरीदारी कैसे हुई। आपके नाम पर अभी तक कितने केस दर्ज हुए हैं। वहीं आपके महंगी प्रॉपर्टी की डील कौन करता है, आप खुद या परिवार के सदस्य या फिर कोई और। तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई और इस दौरान तेजस्वी यादव काफ़ी डरे हुए दिखे। तेजस्वी यादव जब सीबीआई मुख्यालय जा रहे थे तो डर नाम की चीज़ उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी और देर रात जब सीबीआई मुख्यालय से तेजस्वी यादव बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बात करने से मना कर दिया। डर उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। आपको बताते चले कि दरअसल तेजस्वी यादव से लैंड फॉर जॉब, जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ चल रही है। उनके नाम पर सीबीआई ने कई सारी संपत्तियों का पता लगाया है और उन्हीं सारी संपत्तियों के बारे में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। और सीबीआई का तो कहना है कि तेजस्वी यादव ने संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव को फिर से सीबीआई समन भेजकर बुला सकती है। सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि सीबीआई आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल तो तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी टल गई है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ भी कहना मुश्किल है कि उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं। फिलहाल अब आपको हम मीसा भारती के बारे में बताते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय सुबह के 11 बजे पहुंच गए थे, वहीं उनकी बड़ी बहन मीसा भारती भी ईडी कार्यालय सुबह 11 बजे पहुंच गई थी। वहीं दोनों भाई बहन को एक एक घंटे का लंच ब्रेक भी दिया गया था और देर रात तक मैराथन पूछताछ हुई। आपको बताते चले कि मीसा भारती से लगभग 7.5 घंटे तक मैराथन पूछताछ हुई और इस दौरान उन्होंने उनसे कई सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश की गई। हालांकि ईडी का कहना है कि मीसा भारती पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। वहीं मीसा भारती ने ईडी कार्यालय से निकलते हुए पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं और ईडी जब भी उन्हें फिर बुलाएगी वह हाजिर हो जाएंगी। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल मीसा भारती से ईडी ने क्या क्या सवाल किए। मीसा भारती से ईडी ने पूछा कि आपका नाम और परिवार के सदस्यों के नाम लिखें, आपके इनकम का साधन क्या क्या है, आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन कमाते हैं, आपके नाम पे और आपके पति के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी, जमीन और चल अचल संपत्ति है, आपके नाम पे पटना समेत अन्य जिलों में आपकी कितनी पैतृक संपत्ति है, 2004 से अब तक कितनी कंपनियों की मालकिन या कितनी कंपनियों में शेयर होल्डर हैं, इनकम टैक्स अगर आप फाइल करती हैं तो किस सीए के माध्यम से आपने इनकम टैक्स फाइल किया, उस सीए का नाम बताइए, आपके विदेश में कितनी चल अचल संपत्ति है,
ईडी ने कहा कि हमारी जांच में ये भी पता चला है कि आप काफ़ी कंपनियों से जुड़ी हुई हैं, उन कंपनियों को किसने बनाया, उसमें आपका क्या काम होता है, उसमें आपकी कितनी शेयर होल्डर है, सारे दस्तावेज दीजिए और कितने दिन में आप देंगी ये भी बताइए। दरअसल आपको बताते चले कि पूरा लालू परिवार सीबीआई और ईडी के शिकंजे में फंस चुका है। जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जमानत पे बाहर है, वहीं तेजस्वी यादव और मीसा भारती की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी संभव है। इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।